देखिए, मैं किसी और काम से आया हूँ, न प्रेस वक्तव्य के लिए आया हूँ, न प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। आप लोग यहाँ पूछने आए हैं, इतनी तकलीफ उठा के इसलिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है आज, वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है, और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। चुनाव का खेल खत्म हो गया, चुनाव की बात खत्म हो गई। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और एक ऐसा थोड़ा सा विचित्र सा नियम है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए भी याचक को खुद पेश होना पड़ता है। आमतौर पर दायर करने के लिए खुद पेश होना आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि नियम ऐसा है इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आने का कोई शायद आवश्यकता भी नहीं होती इस वक्त। बाकी क्या होगा वो बाद की बात है, जब ये माननीय उच्च न्यायालय इसको देखेगा और इस पर एक्शन लेगा। सर, किस तरह की आई हैव याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का, जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आमतौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो गलत है। और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। आई हैव नॉट कम हियर फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई हैव नॉट कम हियर फॉर डीलिंग विद द प्रेस, आई हैपन टू बी हियर फॉर अ लीगल प्रोसेस। ऑल द इलेक्शंस आर ओवर, पॉलिटिक्स इज ओवर। दिस इज ए चैलेंज टू द इलेक्शन प्योरली ऑन लीगल ग्राउंड्स। वन ऑफ द मेन लीगल ग्राउंड्स इज दैट देयर इज नथिंग इन लॉ, neither in the act nor in the rules, which compels an interpretation which requires that the person whose name is drawn up in a draw of lots is the loser. It defies common sense, it defies the old traditions, the old practice anywhere and everywhere in the world, that between two people, when there are only two people and not more than two, the person whose name is drawn out in a lot should be the winner, not the loser. If our contentions are accepted ultimately by the Honorable High Court, then the result declared would be, have to be declared to be wrong. There is a strange procedure for election petitions which requires the petitioner to be present himself to file it. That is why you find me here today. That's about the long and short of it. I am here only for a few hours, and having filed it, I shall be going back to Delhi, and then the legal process will take over. Our lawyers will deal with it in the court.